हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे पोहा। सो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पोहे लिए हैं जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया है। अभी हम वेजीज में आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे टमेटोस, अनियन, थोड़े से आलू, करी लीव्स, ग्रीन चिली, कोरिएंडर और एक नींबू, ये ले लिया है। एंड साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पेपर पाउडर, हल्दी पाउडर, पीनट्स, सॉल्ट और ऑयल। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे गैस चला लूँगी और साथ में अपनी कढ़ाई को भी रख दूँगी। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ऑयल। तो पहले मैं पीनट्स को थोड़ा सा रोस्ट करने वाली हूँ, इसलिए थोड़ा सा ऑयल मैं ज़्यादा ही रखूँगी। सो अराउंड 3 टेबल स्पून के आसपास मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया है। okay. अभी हम इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। हमारा ऑयल जो है वो अब गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें पीनट्स डालेंगे और इसको करीब 2 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे पीनट्स को करीब 2 से 3 मिनट तक रखा था और ये अच्छे से अभी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो इस स्टेज पे मैं इन सबको निकाल लूँगी। उसी ऑयल में हम स्टार्ट करेंगे हमारा पोहा का प्रोसेस। तो मैं यहाँ पे ग्रीन चिलीज ऐड कर दूंगी और इन्हें बस करीब 20 सेकेंड्स के लिए ऐसे ही स्टर कर लूँगी। और इसके साथ हम यहाँ पे डाल देंगे अनियन। अच्छे से इसको टॉस कर लेंगे और हम अनियन का कलर है वो चेंज होने का, थोड़ा सा पिंक फिश होने का इसे कुक कर लेंगे। सो यहाँ अब हमारा अनियन जो है उसका कलर हल्का चेंज हो गया है। तो हम इसी स्टेज पे डाल देंगे जो पोटैटोज हमने कट करके रखे थे वो ऐड कर रही हूँ। अच्छा सा स्टार देंगे। तो मैंने यहाँ पे जो पोटेटोज है उनको एकदम छोटा छोटा काटा है ताकि ये जल्दी से पक जाए, ज़्यादा टाइम ना ले। और इसी के साथ मैं यहाँ पे हमारे जो मसाले थे वो ऐड करूँगी, जो है हल्दी पाउडर और पेपर पाउडर। पेपर आप अपने विश के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं, मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसके लिए मैं इसे ऐड करती हूँ। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स दे देंगे और करीब 2 से 3 मिनट तक इसे हम ऐसे ही पकने देंगे। सो 2 मिनट दिए थे मैंने इसको पकने के लिए। अभी इसी में हम ऐड करेंगे हमारी टमेटोस। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है ये डोमिंग ऑफ द कलर। इसे हमें पकने देना है तो इसलिए हम इसे अच्छे से मिक्स करके इसी स्टेज पे हम सॉल्ट ऐड कर देंगे। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली सॉल्ट को ऐड कर सकते हैं, जितना आपको पसंद करते हैं खाना। टॉस इसे हम करीब 2 से 3 मिनट तक और पकने देंगे। तो ये जो हमारा मसाला है इसको मैंने करीब 5 मिनट तक कुक होने रखा था। तो एक बार हम अपने आलू को चेक कर लेते हैं। सो इसे अभी थोड़ा 2 मिनट और हम अच्छे से मिक्स करके छोड़ देंगे, फिर चेक करते हैं एक बार फिर से।
मैंने इसे और 2 मिनट के लिए पका लिया था और अब हमारे आलू जो है वो भी अच्छे से पक चुके हैं। चलिए अब हम इसमें डालेंगे हमारा पोहा, जिसको मैंने पहले से अच्छे से वॉश करके रेडी करके रखा था, तो मैं इसको ऐड कर दूंगी इसमें। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। स्टेज पे अगर आपको लगता है कि आपके पोहे जो हैं वो जो आपने रखे थे वॉश करके वो थोड़े से ड्राई हो गए हैं, तो टेंशन मत लीजिए, इसको मिक्स करने के बाद वो सॉफ्ट हो जाएंगे। और इनकेस नहीं होते तो आप थोड़ा सा पानी जो है वो स्प्रिंकल कर सकते हैं इनके ऊपर। यहाँ आप देख सकते हैं कि वो अच्छे से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और वो खिले खिले ही लग रहे हैं, तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक ये जितना भी वाइट जो पोहा है हमारा वो अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब साथ ही जो पीनट्स हमने पहले से रोस्ट करके रखे थे वो मैं यहाँ ऐड कर दूंगी और इसे फिर से एक अच्छा सा टॉस दे देंगे। अब इसमें हम जो धनिया पत्ती हमने कट करके रखी थी वो भी ऐड कर देंगे, ग्रीन्स, अच्छा सा टॉस। इस स्टेज पे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो पोहा है वो अच्छे से कुक हो गए हैं और साथ ही बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इनकेस जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर आपको लगता है तो हम वैसे भी इसमें नींबू का रस डालने वाले हैं, फिर भी अगर ये थोड़े से और ड्राई होते हैं तो आप थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो मैं अभी इसमें नींबू ऐड कर दूँगी। पूरा एक नींबू डालूंगी मैं, बिकॉज पूरा टेस्ट इस पर भी रिलाई करता है। अच्छे से नींबू को इसमें स्क्वीज कर लिया और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारे जो पोहे हैं वो रेडी हैं टू सर्व, सो लेट्स सर्व। सो हमारे पोहे मैंने सर्व कर दिए हैं और ये बिल्कुल रेडी है। आप चाहे तो इसे कोकोनट के साथ या भुजिया के साथ भी गार्निश कर सकते हैं, पर मैं यूजुअली इसको ऐसे ही प्रेफर करती हूँ। सो इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।